ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यूपी में दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। मायावती ने बुधवार को सिद्धार्थनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर जहां केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं दावा किया कि बीजेपी अब दूसरे नंबर पर आने के लिए एसपी और कांग्रेस से लड़ रही है। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आरक्षण को या तो वह बिल्कुल खत्म कर देंगी या फिर पूरी तरह से प्रभावहीन कर देगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय यूपी में अपने को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो पता नहीं कितने रोहित बेमुला कांड यूपी में होंगे। बीजेपी ने आरएसएस के एजेंडे पर चलकर यूपी में सांप्रदायिक माहौल को खराब किया है। उन्होंने कहा बीएसपी के विरोधियों ने मीडिया और एग्जिट पोल को मैनेज किया है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। तीन चरणों के मतदान में बीएसपी सबसे आगे है और इसको बीजेपी ने अंदर ही अंदर स्वीकार कर लिया है। अब वह दूसरे नंबर पर आने के लिए एसपी और कांग्रेस से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बीएसपी या किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के विधानसभा चुनाव के तहत कल चौथे चरण का मतदान होगा। 52 साल के अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करना पार्टी की चुनाव रणनीति का हिस्सा था। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या पार्टी सरकार बनाने के लिए बीएसपी या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। शाह ने कहा किसी से भी हाथ मिलाने का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं उठता है। शाह की ओर से यह टिप्पणी कुछ चुनावी सर्वेक्षणों और राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा उत्तर प्रदेश में एक त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाने की पृष्ठभूमि में आई है, क्योंकि एसपी कांग्रेस बीएसपी और बीजेपी का राज्य में एक मजबूत ढांचा और निष्ठावान सामाजिक आधार है। शाह ने उत्तर प्रदेश में काफी व्यापक प्रचार किया है। वह 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस चुनाव के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही उनका यह भी मानना है कि परिणाम देश के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में हुए बड़े रेल हादसे में जांच एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने कासगंज में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इज्जत नगर मंडल में भी पिछले दिनों रेल पटरी कटी मिली थी। यह गंभीर विषय था। यूपी के डीजीपी से उन्होंने व्यक्तिगत बात की थी। जांच में आईएसआई का हाथ सामने आने पर रेल लाइन की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जीएम ने कहा कि मथुरा से कासगंज और अनवरगंज कानपुर तक रेल लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। शीघ्र ही काम शुरू होकर 2017 में पूरा हो जाएगा। एक साल के जवाब में उन्होंने कहा कि कासगंज बरेली के बीच रेल लाइन को इलेक्ट्रिफाई करने की मंजूरी इसी बजट में मिली है। आगामी वर्ष में इसका भी विद्युतीकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रामगंगा से बरेली सिटी के बीच पूर्वोत्तर रेलवे का ट्रैक तैयार है। सीआरएस का निरीक्षण भी हो गया है, लेकिन आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। जैसे ही अनुमति मिलेगी इस ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ने लगेगी, साथ ही ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल पर नगद पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे जैसे महाशिवरात्रि पास आ रही है, वैसे वैसे अपने आराध्य देव को नहलाने के लिए श्रद्धालुओं के मन में भक्ति की लहरें दौड़ रही हैं। महाशिवरात्रि का पर्व जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे ही श्रद्धा व शक्ति की लहरें उफान मारने लगी है। बुधवार को शहर में कांवड़ियों का आगमन तेज हो गया है। ज्योतिषविद पंडित विनोद त्रिपाठी कहते हैं कि भगवान शिव भोले हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में धारण करने वाले महादेव पर विष का प्रभाव हुआ और वे मूर्छित हो गए। अपने आराध्य को जल से स्नान कराने की परंपरा अरसे पुरानी है। 24 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे में अपने आराध्य को जल अर्पण करने के लिए हरिद्वार से श्रद्धालु लौटना शुरू हो गए हैं। बुधवार को मेरठ में गढ़ रोड, हापुड़ रोड, मवाना रोड आदि कई मार्गों पर कावड़ियों के झुंड दिखने लगे हैं। औदगढ़नाथ मंदिर समिति के महामंत्री सतीश सिंघल ने बताया कि 24 फरवरी को सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, तभी से जल चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे, अपराह्न 11 बजे, दोपहर 1 व शाम 4 बजे आरती होगी।
महाशिवरात्रि पर पूरी रात मंदिर खुलेगा। पर्याप्त संख्या में लोटों की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल के लिए यूपी स्पेशल में बस इतना ही, और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।